हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए फ्री हैंड पेंटिंग, इजी फ्री हैंड पेंटिंग आपके लिए लाई हूँ। और बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है करना। आपको कोई कलर पैलेट में निकालने की और उनको मिक्सिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही काम हो जाएगा और अच्छा होगा। आप देख ही रहे हैं दुपट्टा, और ये सब आपको जो भी मटेरियल रिक्वायर्ड है आपकी स्क्रीन पर है। और सबसे पहले क्या कर रहा है, मैंने ये सर्कल में डिज़ाइन मैंने बनाया, तो मैंने उतना बड़ा फ्रेम ले लिया जितना बड़ा मुझे सर्कल बनाना था, या ये कहिए कि मैंने फ्रेम के अकॉर्डिंग सर्कल चूज़ किया कि इतना बड़ा बनाना है। और उसको पहले मैंने ये काफ़ी थिक ब्रश मैंने ली, राउंड ब्रश है, बहुत बड़ा ब्रश है, 25 नंबर का। तो उससे पहले मैंने पहले उस एरिया पर पहले पूरा पानी से मैंने वो उसको फैला दिया है, स्प्रेड कर दिया है, वाटर स्प्रेड करके। फिर देन मैंने ये सैप ग्रीन कलर लिया है और उस पर मैं फैला रही हूँ। और ये जो सैप ग्रीन कलर है, ये अपने आप, आपको ज़्यादा फैलाने की भी ज़रूरत नहीं है, अगर आप छोड़ेंगे तो थोड़ा अपने आप भी फैलेगा, और आप ब्रश के थ्रू भी कर सकते हैं। और बेसिक बहुत पतला रखना है, ये बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है, हल्का ही शेड रखना है। और जब ये सूख जाएगा उसके बाद में, ये मैंने क्रोम येलो कलर लिया है और ये 5 नंबर का राउंड ब्रश है, उससे मैं कलर लेके उसके येलो कलर के, क्रोम येलो कलर के स्ट्रोक्स लगा रही हूँ और राउंड शेप में ऐसे सर्कुलर, हाँ जी ये लगा रही हूँ। और उसके बाद में ऊपर से नीचे की तरफ ब्रश लेना है, अगर आपको पेटल्स बनानी है तो ऊपर से नीचे की तरफ ब्रश को लेना है, उसके स्ट्रोक्स लगाने हैं। और उसके बाद अब मैंने ये ऑरेंज कलर लिया है, ये फेविक्रिल एक्रेलिक कलर्स हैं ये वाले, और उसका मैंने एक एक स्ट्रोक मैंने ऑरेंज का भी उनके साइड में कर दिया है। अब इसके बाद मैं एक दूसरा ब्रश लूँगी, या इसी ब्रश से ही बेसिकली मैं इसी को ही इससे थोड़ा सा मर्ज कर दूँगी आपस में। ये अभी मैं थोड़ा सा धीरे कर रही हूँ आपको दिखाने के लिए, अदरवाइज़ ये बहुत स्पीड से होता है काम, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और देखिए अभी ये मैं इसको मर्ज कर रही हूँ, ये मर्जिंग मैंने शुरू कर दिया बस इतना। अभी एक्चुअली ये ब्रश मैंने अभी पहली बार लगा रही हूँ ना इसमें येलो कलर में और ऑरेंज कलर में, तो अभी जरा फ्रेश ब्रश है, तो अभी पूरा इसमें कलर लगा नहीं है, तो मुझे थोड़ा सा शेड देना पड़ रहा है मर्जिंग के थ्रू। अदरवाइज़ अगर आप वो ब्रश अब जब यूज़ करते रहेंगे ना आगे जाके, आपको इतनी शेडिंग देने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं, बल्कि दो दो बार आपको येलो और ऑरेंज कलर लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। एक बार अगर आपका ऑरेंज कलर लग गया अच्छे से उसमें, तो जब आप येलो कलर में डिप करेंगे और फिर जब स्ट्रोक्स लगाएंगे ना, वो शेड अपने आप ही आने लगेगा। तो आपको ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा ऑरेंज कलर हर बार लगाना पड़े, कहीं कहीं किसी एक पेटल में आपको करना पड़ सकता है, अदरवाइज़ ब्रश में ना कलर अच्छे से आते हैं। सेम ब्रश रखिए आप दोनों के लिए, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको अलग से ऑरेंज के लिए दूसरा ब्रश लेना है। मैं तो सेम कलर को ही उसी दूसरे वाले सेम ब्रश को ही दूसरे वाले कलर में डिप कर लेती हूँ, तो उससे अच्छा शेड आ जाता है एक्चुअली। तो आपको ये नहीं है कि दो दो ब्रश करो और फिर उसको मर्जिंग करो, शुरू में करना पड़ेगा और उसके बाद में अपने आप ही आने लगता है। तो इस तरह से ये पूरा मैं कहीं भी छोटे बड़े फूल, इस पूरे जो मैंने ग्रीन सर्कल बनाया है हल्का, उसके ऊपर ये मैं ऐसे छोटे बड़े फूल इस तरह के बना लूँगी। बहुत तेज़ी से काम होता है फिलहाल, तो मैंने इसमें अपनी वीडियो में स्पीड बढ़ाई हुई है जिससे कि मेरी वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि सब लोग, इतनी लंबी वीडियोस थोड़ी बोरिंग हो जाती हैं मेरे, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं भी जब कोई अगर वीडियो देखती हूँ तो मैं बहुत आगे निकाल निकाल के देखती हूँ, मैं ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं देख सकती हूँ, तो इसलिए मैं खुद भी अपनी वीडियोस चाहती हूँ कि थोड़ा शॉर्ट रहें, तो मैं इसलिए स्पीड पे कर देती हूँ उनको। शुरू में मैंने आपको स्लो मोशन में दिखाई और अब मैं इनको फास्ट मोड पे कर दिया, पर उसके बावजूद भी ये फास्ट मोड पर चल रही है, फास्ट स्पीड पर है, लेकिन उसके बावजूद भी ये काम बड़ा तेज़ी से होता है, बहुत जल्दी ये फ्लावर्स बन जाते हैं कंपैरेटिवली आप यू नो और किसी पेंटिंग के, इसीलिए फ्री हैंड पेंटिंग लोग करते हैं। अब ये हमारे फ्लावर्स ऑलमोस्ट इस सर्कल में छोटे बड़े बन गए हैं। अब मैं क्या करूँगी इसके बाद कि ये सैप ग्रीन कलर जो मैंने ये राउंड सर्कल पूरा जो बनाया था ना वाटर के ऊपर, जो मैंने शेड दिया था, अब उसका मैं बिना इसमें वाटर बिल्कुल भी मिक्स नहीं करूँगी, एज इट इज़ डार्क कलर जो है उसका, उससे लेके मैं ये पेटल्स बना रही हूँ।
ये लीव्स बना रही हूँ सॉरी, तो ये वाली लीव्स मुझे जगह जगह इधर उधर मैं सब बना दूंगी। ये पूरा ग्रीन कलर जो है मैं उससे कवर कर दूंगी इन लीव्स से। देखिए इस तरह से ये पूरे में मैंने लीव से ये कवर कर दिया है। ये सेम कलर है, मैंने इसमें कोई और कलर उसको हल्का करने के लिए नहीं करा है, ना डार्क करने के लिए कलर कुछ मैंने इसमें मिलाया है। बस मैंने पहले क्या किया था, उसमें मैंने खूब सारा वाटर मिला दिया था, बहुत वाटरी था वो कलर, तो इसलिए वो हल्का हुआ। और ऊपर से अब मैं ये वही जो ओरिजिनल कलर है सैपलिंग का, उसी की मैं लीव्स बना रही हूँ। अब ये फूलों के अंदर जो सेंटर में मैं कर रही हूँ, ये है पर्ल वाइट कलर है। इससे मैं अंदर का पार्ट, जो सेंटर पार्ट है फ्लावर का, वो मैं फिल कर रही हूँ। ये थोड़ा थिक होता है कलर, तो इसमें आप थोड़ा सा वाटर मिक्स कर सकते हैं। अगर इजीली ब्रश चलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है तो थोड़ा सा वाटर मिक्स कर लीजिए उसको थोड़ा सा, तो ये अच्छे से स्प्रेड हो जाएगा। अगर थिक रखना चाहते हैं आप थिक रखिए। और इस तरह से आपका गार्डन बनकर तैयार है। ग्रे कलर का ये दुपट्टा है मेरा, और उस पर मैंने ये येलो कलर के फ्लावर्स बनाए हैं और सैप ग्रीन कलर्स की लीव्स हैं। देखिए मेरा ये फुल दुपट्टा आपको कैसा लग रहा है। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए, और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करिएगा ज़रूर मेरा चैनल, और हो सके तो शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी, ज़रूर से ज़रूर कमेंट करिएगा और लाइक करिएगा। मिलते हैं जल्दी ही नई वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।